वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक के एमसीक्यूज कर रहे थे, तो उसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे और ये आपका पार्ट नंबर टू है, क्योंकि पार्ट नंबर वन में हमने अपने 20 एमसीक्यूज तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे ही 20 एमसीक्यूज जो और बचे हुए हैं बाकी के, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, तो टोटल मिलाकर आपके हो जाएंगे 40 एमसीक्यूज रेडी इस चैप्टर के। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का, जो पूरी पूरी स्टोरी है, वो क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं अपना 21st क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी आ रैग पीकर। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो साहिब है, जो इस चैप्टर में लड़का साहिब है, ये किस वजह से एक रैग पीकर बनकर रह गया। अब रैग पीकर का मतलब मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था, अभी बता देती हूँ। जो रैग पीकर होता है उसका मतलब होता है कूड़े में से छानबीन करना और कुछ ना कुछ चीज़ उससे ढूंढ के निकाल लेना, यानी कि जो कूड़े में छानबीन करते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैग पीकर कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए है हार्ड वर्क, बी है डेंसिटी, सी है पीपल अराउंड हिम। ये जो पी है ये आपका यहाँ पे ओ है, पी गल ये मिसप्रिंट हो गया है पी, तो इसको ओ कर लीजिएगा। पीपल अराउंड हिम है सी ऑप्शन, एंड डी है हमारा एक्यूट पॉवर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्यूट पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीबी के कारण ही क्या कर रहा था, उस कूड़े में से छानबीन कर रहा था ताकि उसको कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाए। तो अब है क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज सीमापुरी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सीमापुरी है वो कहाँ पर है। अब आपको मैं बता दूँ कि जो साहिब लड़का है इस चैप्टर में, वो सीमापुरी में ही रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, इन नोएडा, फिर बी है साउथ दिल्ली, सी है नॉर्थ दिल्ली, एंड डी है ईस्ट दिल्ली। तो इसका मैं आपको बता दूँ कि जो सीमापुरी है वो दिल्ली के अंदर ही है। नोएडा जो है वो यूपी की साइड होता है और दिल्ली के अंदर है सीमापुरी। तो आपको ये दिल्ली याद करते करते ये भी याद रखना है कि वो साउथ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट दिल्ली। वो ईस्ट दिल्ली के अंदर है सीमापुरी, राइट। सो चलते हैं अपने 23rd क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब लीव ढाका। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो साहिब है वो अपनी मदरलैंड को छोड़कर क्यों आया इंडिया में, यानी कि ढाका को छोड़कर, मदरलैंड कौन सी थी उसकी, ढाका। तो ढाका को छोड़कर वो इंडिया क्यों आया और ढाका कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ऑप्शन हमारे पास, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, एंड थर्ड है हमारे पास बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, और लास्ट है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि खाने की कमी के कारण ही वो ढाका को छोड़कर इंडिया में उसे आना पड़ा था। अब है क्वेश्चन नंबर 24, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। अब इस क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ देखिए ये जो साहिब वाली थी, ये हमारी फर्स्ट स्टोरी के एमसीक्यूज हुए ऊपर तक, जितने भी हमने अभी तक किए हैं, फर्स्ट टू 23 तक। अब देखिए यहाँ पे 24 से स्टार्ट हुआ है सेकेंड स्टोरी का, और सेकंड स्टोरी किसकी थी, मुकेश की थी। मुकेश कौन था, वो एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता था, और बैंगल मेकिंग जब जो कांच से चूड़ियाँ बनाते हैं, कांच की चूड़ियों को, यानी कि जब कांच को पिघलाकर उससे चूड़ियाँ बनाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो आईज़ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ग्लास है, कांच है, वो पिघलता है, तो उस टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और जब वो इंसान जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, जब वो बाहर की दुनिया में आता है, तो उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो जो रोशनी है, सनलाइट है, वो उसकी आँखों में चुभती है, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि उसे उसकी आँखों से देखना बंद हो जाता है, यानी कि वो ब्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है इस चैप्टर में कि जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं कराना चाहिए, ये काम इलीगल है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी आ चुका है कि ये लीगल काम नहीं है, खासकर कि बच्चों से कराना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था उसकी पुअर कंडीशन के ऊपर, जो कि बैंगल मेकर्स हैं फिरोजाबाद में, यानी कि जितने बैंगल मेकर्स हैं उनकी गरीबी की कंडीशन का कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पेरेंट्स, बी है सोसाइटी,
सी है ब्यूरोक्रेट्स, तो जो रिस्पॉन्सिबल है पुअर कंडीशन के ऊपर जो बैंगल मेकर्स है फिरोजाबाद में, तो वो क्या है, वो सभी है। डी जो ओल है, यानी कि पेरेंट्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है और ब्यूरोक्रेट्स भी उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन जो ओल है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना 25th क्वेश्चन। What efforts can help Mukesh materialize his dream of being a car driver? अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता था, कार मैकेनिक यानी कि कार ड्राइवर बनना चाहता था, जो कारों को ठीक करते हैं, कार चलाते हैं। तो मुकेश को वो कार चलाने वाला, उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हार्डवर्क, बी है गोइंग टू गैराज, सी है गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर एंड डी है ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल दीज, यानी कि उसे हर चीज़ जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं तीनों की ही उसे ज़रूरत है। अच्छी गाइडेंस की भी ज़रूरत है और उसे गैराज में भी जाना चाहिए, और साथ ही साथ जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तब तक वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, हैजार्ड्स का मतलब क्या क्या उनको डिजीज हो सकती है, क्या क्या उनको बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पुअर हेल्थ, बी है इम्पेयर्ड विजन, सी है मिसरेबल लाइफ एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उनकी हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ उनको जो उनकी देखने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी और उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल मिजरेबल की तरह हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 27, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो फिरोजाबाद की लोकल फैमिलीज है उनको कौन एम्प्लॉय करता है। यहाँ पे ऑप्शन है ए ब्यूरोक्रेट्स, बी है मर्चेंट्स, सी है पॉलिटिशियंस, डी है द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उनके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि उनमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ए है हमारे पास ऑप्शन टू मेक विंडोज, बी है टू मेक डोर्स, सी है टू मोल्ड ग्लास एंड डी है टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें ग्लास को पिघलाकर उससे क्या बनाई जाती है, कलरफुल बैंगल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम बड़े शौक से पहनते हैं। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ग्लास इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं वो किस वजह से जो है उन पर रोक लगाई गई है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो उनके हेल्थ के लिए क्यों ख़राब है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डार्क डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर। तो इसका मतलब है कि बहुत ही डर्टी यानी कि बहुत ही गंदे जो सेल्स होते हैं, ना ही उसमें लाइट होती है ना ही एयर होती है, ऐसी वो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी है ड्रेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट। अब आपने कभी देखा हो कि जब वेल्डिंग करते हैं, जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें से बड़ी चमकीली सी एक लाइट निकल कर आती है, तो उससे क्या होता है हमारी आइज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसको देखने के लिए मना किया जाता है स्पेशली। तो इसीलिए ये दोनों रीजंस तो हैं इसके बिल्कुल करेक्ट। अब लास्ट है हाई टेम्परेचर, और उस इंडस्ट्री में क्या होगा, बहुत 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 ज़्यादा अधिक जो है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस इंडस्ट्री का, तभी तो जो ग्लास है वो पिघलेगा। इसलिए जो तीनों ऑप्शंस हैं इसके ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल दीज। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो रैग पीकर, यानी रैग पीकर किसकी बात की गई यहाँ पे, साहिब की। जो साहिब है वो अपने पैरों में चप्पल्स क्यों नहीं पहनता, चप्पल्स यानी कि स्लीपर्स जो हम डालते हैं अपने पैरों में, तो वो अपने पैरों में चप्पल्स को क्यों नहीं पहनता है, उसने इसके लिए क्या एक्सक्यूज़ दिया जब ऑथर ने उससे बात पूछी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मदर्स डोंट गिव, बी है नो इंटरेस्ट, सी है आ ट्रेडिशन एंड डी है ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मदर्स डोंट गिव।
जो साहिब है उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया था कि उसकी मम्मी ने उसको लाकर दी ही नहीं है, इसलिए वो नहीं पहनता है। अब चलते हैं अपने 31st क्वेश्चन पर। हु इज मुकेश? इस क्वेश्चन पूछा गया कि जो मुकेश है, यानी कि स्टोरी नंबर 2 की बात की गई है, जो मुकेश है वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट, बी है वर्कर, सी है रैक पिकर एंड डी है रैक पिकर। तो यहाँ पे जो सी है रैक पिकर, ये रैक पिकर दो बार लिखा गया है गलती से, तो एक ही सी की जगह यहाँ पर आ जाएगा बैंगल मेकर। बैंगल मेकर होगा सी, जो सी ऑप्शन है उस पर रैक पिकर की जगह बैंगल मेकर होगा, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बैंगल मेकर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन? अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ऐसे क्या रीजंस हैं कि जो माइग्रेशन पीपल, यानी कि जो गरीब पीपल हैं जो बाहर से आए हुए हैं, खासकर कि जो सिटी से विलेज में जाते हैं, सभी जो हैं ये किस कारण अपने उस घर को, अपने उस प्लेस को छोड़ते हैं, तो ये लेसन के थ्रू बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्वैपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, बी है पॉवर्टी, सी है एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी है सेफ्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज हमें लेसन के अकॉर्डिंगली बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उनके जो घर है और उनकी जो फील्ड है वो क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। अब माइग्रेशन पीपल का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ढाका के लोग हमारे इंडिया में आकर बसे हैं, ये किस कारण बसे हैं, क्योंकि उनके जो हाउसेज हैं और उनकी जो फील्ड्स हैं वो स्ट्रॉम यानी कि बहुत ज़्यादा तूफान के कारण आकर ख़राब हो गई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट कंपेल्स ऑफ वर्कर इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? पूछा गया है कि जो वर्कर्स हैं जो बैंगल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, किसके, फिरोजाबाद में, अपनी गरीबी के कारण, उनको फोर्स किसने कर रखा है, यानी कि ये काम करने के लिए उनको फोर्स किन के द्वारा किया जाता है। कंपेल्स का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कास्ट एंड अनसेस्ट्रल प्रोफेशन, बी है कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी एंड सी है ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन एंड डी है ऑल दीज। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कास्ट यानी कि जो उनकी जाति होती है, और एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पुश्तैनी, जो चीज़ पहले से चली हुई आ रही है, यानी कि वो उन्हें करनी ही पड़ेगी। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होता है। बी को देखते हैं, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी। अब जो मुकेश वाली स्टोरी थी उसमें क्या कहा था मुकेश की दादी ने कि ये तो हमारे कर्म में ही लिखा हुआ है, बिकॉज इंडिया में जो कर्म है उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा माना जाता है, कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो साफ सीधी बात है वो ये कह देते हैं कि ये हमारे कर्म में लिखा हुआ है, और साथ ही साथ सोसाइटी के दबाव के कारण भी। और फिर है ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन पार्टी होती है, ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके फोर्स करने की वजह से भी क्या होता है, इन वर्कर्स को बैंगल इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल दीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर वट? अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो फिरोजाबाद सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आप सभी को अभी तक ये बात जानकर पता चली गई होगी इन स्टोरीज को, इन MCQs को देखकर, जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है, बैंगल्स बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर बैंगल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 35। फिरोजाबाद इज द सेंट्रल ऑफ विच इंडस्ट्री? अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो फिरोजाबाद है वो किस इंडस्ट्री का सेंटर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कॉटन इंडस्ट्री, बी है फर्नीचर इंडस्ट्री, सी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड डी है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36th क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो मुकेश है उसका एटीट्यूड जो है वो कैसे अलग है उसकी फैमिली से, मतलब कि जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा हो कि जो मुकेश है जब वो ऑथर को अपनी फैमिली से मिलवाने, इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेके गया था अपने घर पर, तो क्या हुआ था कि उसकी फैमिली की थिंकिंग जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी मुकेश की थिंकिंग से। अब मुकेश का ड्रीम क्या था, वो बनना चाहता था एक मैकेनिक, कार ठीक करने वाला,
उसकी फैमिली जो है उनकी थिंकिंग यही थी कि हमारे बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को भी क्या करना पड़ेगा, बैंगल्स ही बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, बी है बीइंग अ फाइटर, सी है बीइंग अ कावर्ड एंड डी है नॉट क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, क्योंकि जो मुकेश है वो बिल्कुल खुले विचारों का था, बिल्कुल अच्छी पॉजिटिविटी थी उसके अंदर, कुछ ना कुछ कर दिखाने की, एक कहते हैं ना कुछ कर दिखाने की उसके अंदर चेष्टा थी, तो वो सभी चीज़ें क्या है मुकेश के अंदर थी, इसलिए उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो एटीट्यूड है वो उसकी फैमिली से बिल्कुल अपोजिट था। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो सीमापुरी में लोग रहते थे उनके सर्वाइवल करने का मीनिंग क्या था, उनका मीन्स क्या था सर्वाइवल करने का, ये बात हमसे पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रैग पिकिंग, क्योंकि इस स्टोरी में, स्टोरी नंबर 1 है, और स्टोरी में क्या था कि जो साहिब है वो हमेशा क्या करता है, कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ छांटता रहता है, छानबीन करता रहता है, उसके मन में उसकी ये थिंकिंग होती है कि उसे कहीं ना कहीं एक दो रुपए जो है वो उस कूड़े के ढेर से मिल जाएंगे। तो ये जो ये रैग पिकिंग है, यही सीमापुरी के लोगों के सर्वाइवल का मीन्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन दी लेसन। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो सीमापुरी है वो इस लेसन के अकॉर्डिंगली उसमें मेटाफोरिकल सिंबल क्या है। तो यहाँ पे सीमापुरी में क्या हुआ था, सीमापुरी के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पॉवर्टी, बी है एक्सप्लॉइटेशन, सी है एंजॉयमेंट एंड डी है अ लिटिल हेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अ लिटिल हेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो मुकेश है उसका सपना क्या था। आपको इसका आंसर तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, जितने भी अभी तक हमने एमसीक्यूज करे हैं इतना तो हमें पता चल गया कि मुकेश का ड्रीम क्या था। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय द वे अपना आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर कार, मोटर बाइसाइकिल, इन सभी का क्या बनना चाहता था, मैकेनिक बनना चाहता था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट चेंज डिड एनिस जंग सी इन साहिब व्हेन शी सा हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब जो एनिस जंग है, उन्होंने, एनिस जंग कौन है, इस चैप्टर के ऑथर है, तो उन्होंने जब उसको देखा साहिब को, कहाँ पर खड़ा हुआ, गेट के पास खड़ा हुआ, जहाँ पर जो नेबरहुड यानी कि जो पड़ोस के लोगों ने क्लब बनाया हुआ था, वहाँ पर खड़ा हुआ देखा, तो उसके उसके मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एज इफ लॉस्ट फ्रीडम, बी है लॉस्ट ऑनरशिप, सी है लॉस्ट जॉय एंड डी है ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल दिस, बिकॉज उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि उसकी जो फ्रीडम है वो उससे छिन जाएगी, साथ ही साथ उसकी जो ऑनरशिप है, मतलब कि ऑनरशिप का मतलब कैसे कि वो बिल्कुल फ्रीडम के थ्रू अपना काम करता था, अपने आप में वो उस काम का ओनर भी था, तो वो भी उससे अब छिन जाएगा, और उसके जो खेल कूद है, मज़े हैं, जितने भी मज़े वो इस काम में करता था, वो सभी उससे छिन जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल दिस। यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के, ये होते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आती रहेगी। थैंक यू।